दुमका की बात करें तो दुमका के बासुकीनाथ में गौ माता और गौवंश कष्ट में है। वो उग्र होकर लोगों को चोटिल कर रहे हैं तो जख्मी होकर कुत्तों का शिकार बन रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल यहां सालों से गौशाला निर्माण की मांग हो रही है और प्रशासन ने दो बार जमीन भी चिन्हित की, लेकिन फाइल आगे ही नहीं बढ़ी। यहां के विधायक मंत्री बन गए, लेकिन सांसद भी चार चार बार सांसद बन गए, लेकिन किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा गौ माता पीड़ा में है। देखिए रिपोर्ट। दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम की महिमा देश दुनिया में विख्यात है। बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी दरबार भी कहते हैं, लेकिन यहाँ गोमाता और गोवंशों के साथ ही न्याय नहीं हो पा रहा है। बासुकीनाथ धाम में रहने वाली गोमाता और गोवंश कष्ट में हैं, वो बीमार हो रहे हैं, वो जख्मी हो रहे हैं, लेकिन उनकी इस हालत पर न प्रशासन को तरस आ रहा है, न जनप्रतिनिधियों को शर्म आ रही है। समाज में जिन लोगों की संवेदना मरी नहीं है, वो किसी तरह उनकी मदद में जुटे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। बासुकीनाथ में सालों से गौशाला निर्माण की मांग हो रही है, सरकार और प्रशासन इसे जरूरी भी मानता है। दो बार जमीन भी चिन्हित की गई, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हुआ। शायद प्रशासन के लिए इतना ही जरूरी था। विगत 15 साल से लगे हुए हैं कि गौशाला का निर्माण हो, दो बार जगह चिन्हित भी किया गया, लेकिन विधायक जी और सांसद जी के द्वारा आज तक इस विषय में संदर्भ में संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन सिर्फ जगह ही चिन्हित किया जाता है, लेकिन आज तक न ही सांसद जी के द्वारा न ही विधायक जी के द्वारा। गौशाला न होने का नतीजा ये है कि गोमाता और गोवंश परेशानी में है, तो स्थानीय लोगों से लेकर 40 से ज्यादा गाँव के किसानों तक को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये गोवंश अब उग्र हो रहे हैं। उसका सही से रख रखाव नहीं हो रहा है, गो माता को भी कष्ट हो रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, और जो है सो दर दर भटकती है, बहुत सारी बीमार है, असहाय है। ऐसे लोगों का संरक्षण होना जरूरी था। उसको पसाह कहिए, साढ़ कहिए, बैल कहिए, नंदी कहिए, और इतना उग्र हो चुका कि कई लोगों को घायल कर चुका है। आगे अधिक गो माता बाजार में घूमने लगे हैं, और ये कारण है कि जो गौशाला नहीं हो निर्माण होने कारण आए दिन बाजार में इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके लिए गौशाला निर्माण होना अति आवश्यक जरूरी है। जो आज लगभग सैकड़ों की संख्या में वह बसा बाबा इधर उधर भटक रहे हैं और लगभग 40 से 50 गांव के किसान को प्रभावित कर रहे हैं। ये नंदी चौक का नाम क्यों रखा गया पता है? मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। नंदी चौक इसलिए नाम रखा गया कि बासुकीनाथ नंदियों का वास है, नंदियों का गढ़, इसलिए नंदी चौक से नाम रखा गया। और बासुकीनाथ में नंदियों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बात गोमाता और गोवंशों की सुरक्षा की है तो लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी है। लिहाजा चुनाव में नेताओं ने वादा करने में कोई कमी नहीं की, लोगों ने वादों पर विश्वास किया तो नेताजी विधायक सांसद और मंत्री बन गए, लेकिन गौशाला बनाने का वादा भूल गए। हमारे यहाँ के जो भी विधायक हैं बादल बाबू, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव के समय ये वादा किया था कि बासुकीनाथ जो ऐसे मंत्रिमंडल में शामिल होते ही हम गौशाला का निर्माण कराएंगे। लगभग उनका कर्म भी पूरा होने जा रहा है, अभी तक गौशाला का उन्होंने सिद्ध नहीं लिया। सांसद बहुत ऐसे भी कहा गया, इन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द गौशाला का भवन जो है जमीन का चयन करवा लिया गया है, मेरे तरफ से सांसद पर से गौशाला का निर्माण होगा। एक तरफ बेहाल गोवंश, दूसरी तरफ सत्ता की बेरुखी, लिहाजा लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो भी इस पाप का जिम्मेवार है उसे पाप की सजा जरूर मिलेगी। जो भी अलंगा इस क्षेत्र में लगा रहा है बाबा बासुकीनाथ और गौ माता से कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए लोग, ये नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो सबक ले और समझे, नहीं तो इसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ेंगे। ये बाबा बासुकीनाथ भी छोड़ने वाले नहीं है, गौ माता का भी श्राप उनको कभी मुक्त नहीं करेगा। वो बेजुबान है तो अपना दर्द और पीड़ा बोल नहीं सकते, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना, फिर हमारी संवेदना क्यों मर जाती है? गौशाला बनवाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। अब देखना है कि दुमका जिला प्रशासन को इस बात का एहसास कब होता है। फिलहाल यह सच स्वीकार करना होगा कि बासुकीनाथ में गोमाता और गोवंश कष्ट में है। दुमका से TV45 के लिए सुत्यब्रो गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी खबर पर और भी सारा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुत्यब्रो गोस्वामी हमारे साथ बने हुए हैं। सुत्यब्रो, देखिए बासुकीनाथ में सालों से गौशाला बनने का इंतजार हो रहा है, मवेशी अब कष्ट में हैं। सवाल यह है कि कब से ये बात उठ रही है और गौवंशियों का क्या परेशानी हो रही है, उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ता है? जी बिल्कुल, बाबा बासुकीनाथ में गौशाला न होने के कारण आए दिन गौवंशियों को
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हर समय गौवंशियों की मौत हो जाती है। वहीं सूत्रों के माने रात के अंधेरे में गौ तस्करों द्वारा भी अंकिता मवेशियों को उठा लिया जाता है। लगातार कई वर्षों से अगर माना करीबन समझिए 20 वर्षों से लगातार गौशाला बनवाने का मांग किया जा रहा है, मगर अब बासुकीनाथ में गौशाला नहीं बनता है। आपको बता दें अंकिता कि झारखंड के दुमका जिला स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम भारत देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं, पूजन दर्शन करते हैं और अपना मनोकामना पूर्ति हेतु मवेशियों को मंदिर में छोड़ जाते हैं। मगर उन मवेशियों की देखभाल नहीं होने के कारण, उनके रख रखाव नहीं होने के कारण वे लोग इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, बीमार पड़ने के कारण भी उनकी मौत हो जाती है। मगर इन चीजों से जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक, अगर यहाँ का स्थानीय विधायक का बात करिए तो यहाँ के विधायक जो है बारूद पत्र लेख है, जो लगातार 2 बार यहाँ के विधायक बने और अभी तो झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री भी है, मगर उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ हर बार वो आश्वासन दिया कि मैं जीतूंगा इस बार तो मैं गौशाला बनवा दूंगा। मगर इनका ये सारा वादा और इनका जो बात था सभी धातु का दास साबित हुआ। यहाँ के जो स्थानीय सांसद रहे निशिकांत दुबे, वो भी 3 बार सांसद रहे, वे भी कहे कि यहाँ के सांसद को सारा जो सांसद बनवा देंगे, मगर उनका भी बस सफेद हाथी का काफी साथ हुआ। तीव्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बासुकीनाथ में सालों से गौशाला बनने का इंतजार हो रहा है, मवेशी कष्ट में है। सवाल हमने ये भी उठाया कि गौवंशों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि सांसद विधायक सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई गई और आपने बयान भी सुना कि चुनाव प्रचार हो रहे थे उस समय भी ये वादा किया गया था कि उनके लिए गौशाला बनाया जाएगा। तो देखने वाली बात हुई कि अब क्योंकि चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, सांसद भी चुन लिए गए, तो देखने वाली बात होगी कि कब गौशाला बनता है और गौवंशों को उनकी समस्याओं से निजात मिलता है, उनके कष्ट दूर होते हैं।